हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ के हम मैथमेटिक का हम मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड करेंगे, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है। इसके रिगार्डिंग जो टू मॉडल टेस्ट पेपर है, मैंने ऑलरेडी ही अपने चैनल में अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक उन मॉडल टेस्ट पेपर को नहीं देखा है, तो आप वहाँ आप मेरे चैनल में जाके मैथ्स प्लेट लिस्ट है जो क्लास फिफ्थ क्लास की, आप वहाँ से देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो, ताकि आपको जो फाइनल एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप सभी को पता है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट है, और आपके एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे। सो आपके पास अब इनफ टाइम है, तो आप अच्छे से उनकी प्रिपरेशन कर लो इन मॉडल टेस्ट पेपर की। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट 7009। जो क्या करना, आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है कौन सी की, ये जो हमारा अंडरलाइन डिजिट था उसकी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने सॉल्व किया हुआ है। देखो ये जो है हमारा ये वाला डिजिट है, ये कौन सा है, वंस, ठीक है। तो इसकी क्या है टेंस, और इसकी क्या है हमारी 100, और इसकी क्या है 1000। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर लिख देंगे 10 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो है ये 0 है वो 10 के प्लेस वैल्यू, बट नहीं, जो 0 के साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 0, ना कि 9, 70 और 7। ना क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म 9020। उसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, वंस है देखो, देन टेंस को किया हुआ है, देन 100 को किसके साथ, 0 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1000 को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारा आंसर क्या है, 900 प्लस 20। अगर आप 0 भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 0 ना भी लिखो तब भी आपका आंसर सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इस वीडियो का, ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 6, 7, 8, 4, 1। यहाँ देखो, यहाँ पे सॉरी सी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बट अगर हम ऑप्शंस में देखें तो उन्होंने सिर्फ क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर ही दिया, बट मैं आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी बता दूंगी, ठीक है। देखो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, सॉरी यहीं पर देखते हैं पहले, हम हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू का 8, देन हमारे पास क्या है 7, देन हमारे पास क्या है 6, देन हमारे पास क्या है 4, देन हमारे पास 1। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बट अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट में क्या आएगा, 1, 4, 6, 7, 8, ये क्या होगा हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच सिंबल आर नॉट रिपीटेड रोमन सिस्टम। कौन सा सिंबल है जो रोमन सिस्टम में दोबारा रिपीट नहीं होते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, एल एंड वी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज राउंड ऑफ ऑफ 758 टू द नियरेस्ट 10। राउंड ऑफ करना आपने 758 का नियरेस्ट टू 10 करना है। देखो सिंपल है, 758 का नियरेस्ट टू 10 हमारा 960 क्यों होगा, क्योंकि देखो ये जो हमारी वैल्यू, जब भी हम नियरेस्ट टू 10 करते हैं हम किसकी वैल्यू देखते हैं, हम वंस की वैल्यू देखते हैं। अगर यहाँ पे आपकी वंस की वैल्यू 0 to 4 हो, मीन्स 0 to 4 हो, मीन्स 5 से छोटे, तो हम क्या करते हैं, हमारे टेंस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो हमारा आंसर क्या आता है, 750। अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू है क्या है, 5 to 9 है, तो इट मीन्स क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, चेंज लिख करेंगे, इसमें हम 1+ करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 760, और वंस की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वन चाइल्ड जम्प 3 फीट हाई, अनदर चाइल्ड जम्प 4 फीट हाई। एक बच्चा है वो 3 फीट हाई जंप करता है, दूसरा बच्चा है 4 फीट हाई जंप करता है। अगर वो बोथ है एक ही डायरेक्शन में जंप कर रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में, तो कब मिलेंगे, तो हमने क्या करना है, 3 × 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 फीट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज आपको क्या दिया है, यहाँ पे 65 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू पूछी गई है कि हम कौन सी वैल्यू को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 65 आना चाहिए। अगर आपने टेबल पढ़े हैं तो आप इजीली कर सकते हो। हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है ना, हम ऑप्शन से देखेंगे कि हमारे आंसर में क्या आना चाहिए, 65 आना चाहिए। देखो हमारे पास क्या था, ऐसे था
यहाँ पे था 65, यहाँ पे क्या था 5, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है। देखो अगर हम 5 को 65 से आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। 12 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 70 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। अगर आप 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या है 25, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत आ रहा है। तो बच्चा कौन सा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 13। तो अगर आप 13 इंटू 5 करते हो तो 13 इंटू 5 कितने होते हैं, 65 होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 12 इंटू 5 गलत हो गया था, 60 आना था ऊपर वो हो गया, बट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन द फॉलोइंग डायग्राम राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड बोल्ड। जो आपके कलर्ड बोल्ड है उसका आपने फ्रैक्शन करना है, लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम टोटल बोल्ड काउंट करेंगे, टोटल बोल्ड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे डिनोमिनेटर में कितनी आएगी, 11 आएगी। अब उसके बाद कलर बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 6 आएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, चेक द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म और नॉट। आपने चेक करना है जो हमारा फॉलोइंग फ्रैक्शन है वो अपने छोटे फॉर्म में है कि नहीं, मीन्स इसके बाद वो कि इसके ये लास्ट है, इसके बाद कटता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके दो मेथड है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, आप 12 का HCF निकालोगे, 14 का HCF लगाओगे। अगर दोनों का HCF निकालने के बाद हमारा कॉमन फैक्टर आता है तो इट मीन्स क्या ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो इट मीन्स क्या है लोएस्ट फॉर्म में है। सेकंड मेथड क्या है, आपने ये देखना है 12 एंड 14, देखो कौन से टेबल में 12 भी आता है 14 भी आता है। तो देखो 2 के टेबल में 12 कितने में आता है, 6 में आता है, 14 कितने में आता है, 7 आता है। तो 12 बाय 14 की लोएस्ट फॉर्म होगी 6 बाय 7। अब हम 21 इंटू 35 देखते हैं, देखते कौन से टेबल में दोनों चीज़ें आती है। तो 21 7 के टेबल में भी आता है, 35 भी 7 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 21 3 द 7 25 5 था, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है, 3 बाय 5। अब है देखो 13 एंड 14 है, देखो 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 17 भी अपने टेबल में आता है, तो हमारा लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं, आपने क्या करना है, ये जो फॉलोइंग फ्रैक्शन है उसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखो अगर आपके यहाँ पे न्यूमिरेटर में अगर वैल्यू हमारे पास 10 में हो, 100 में हो, 1000 में हो, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसे हम फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है 20 है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा न्यूमिरेटर है एंड डिनोमिनेटर है, पहले डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर को हमने उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उससे मल्टीप्लाई करके आंसर या तो 10 आना चाहिए या तो 100 आना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 20, इट मीन्स 10 नहीं आ सकता। अब हम ये देखेंगे 20 के टेबल में 100 कितने में आता है, तो देखो 20 के टेबल में 100 कितने में आता है, 25 दा, और 15 के टेबल में अगर हम न्यूमिनेटर को, अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 75 बाय 100। अब आप इसे इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2, तो आफ्टर 2 डिजिट हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 इज, आपने क्या ऐड करनी है 2.4 5.3 4.1 को, ठीक है। यहाँ पे एडिशन की हुई है मैंने यहाँ पे, ठीक है, 4 प्लस 3 7 प्लस 8 11, ठीक है। हमेशा याद को डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, ठीक है, 7 प्लस 4 11, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे तो आप इजली कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, कन्वर्ट 98.78 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, सॉरी रुपीज़ को आपने पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो देखो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 7.1 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 100 इंटू 7.875, हमारे पास आंसर क्या आएगा 7.875 पैसे आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नौ
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज द प्राइस ऑफ 1 kg घी इज 435 रुपीज़। वट इज़ द प्राइस ऑफ 18 kg घी? आपको क्या गिवन है? 1 kg घी का प्राइस गिवन है। आपसे क्या पूछा गया? 18 kg घी का आपने प्राइस फाइंड आउट करना है। याद रखो, जब हमें 1 kg का दिया होता है और हमसे 18 या फिर 2 या 3 या 4 जिसका भी प्राइस पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। वही अगर हमें 18 kg घी का प्राइस गिवन होता और हमसे 1 kg का एक घी का हमें 1 kg का प्राइस पूछा जाता, तो हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या करना है, 435 को हमने 18 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7830 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हम जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ इज ₹680। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ? अब आपको 8 मीटर क्लॉथ का प्राइस गिवन है, आपसे 1 मीटर क्लॉथ का पूछा गया, तो हम इसमें अब हम क्या करेंगे? इसमें हम डिवाइड करेंगे, 680 को हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर कितना आएगा? 85 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 इज आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स ब्रेथ। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, हमें लेंथ गिवन है, हमने क्या करना है? ब्रेथ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हम सिंपली से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एरिया कितना है हमारे पास? 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड आउट करना है? ब्रेथ ही फाइंड आउट करना। आप सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 96। यहाँ पे लेंथ कितनी है? 12। देखो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही, मल्टीप्लाई जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो क्या आएगी? डिवाइड होगी। तो 96 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 13 सेंटीमीटर। आपने आपको साइड गिवन है, आपने एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो आपने क्या करना है? 13 × 13 करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 169 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 18 इज लुक एट द दिस नंबर सीरीज, कंप्लीट द ब्लैंक 86 80 74। मतलब कि कंप्लीट द ब्लैंक, फर्स्ट इज 86 देन 80 देन 74 देन उसके बाद 3 ब्लैंक है, उसे आपने कंप्लीट करना है। देखो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों की, क्योंकि ये क्या हो रही है आपकी कम में जा रही है, पहले 86 था फिर 80 हुआ देन 72। इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना पहले हम गैप फाइंड आउट करते हैं, तो कितना का गैप है? 6 का गैप है। इन दोनों के बीच में क्या है? 6 का गैप है। इट मीन्स 74 के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें बीच में इनमें भी क्या होगा? -6 का गैप होगा। इनके बीच में -6 का होगा, इनके बीच में -6 का होगा। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या, कौन सी सीरी आएगी? ये सीरी आएगी 68, 62 एंड 56। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज रोटेट इन द 1/4। आपने 1/4 में रोटेट करना है। पहले आपका इसे देखिए, आपका जो फोर्थ है वो देखना है। पहले ये ऐसे को जा रहा है, देखो ऐसे है, फिर ये ऐसे को हुआ, फिर ये ऐसे को हुआ। ठीक है, देन वो अगेन कैसे को होगा? देखो यहाँ पे है, देन ये इधर को होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, डैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, लुक एट द नंबर सीरीज, कंप्लीट द ब्लैंक। आपने फॉलोइंग नंबर सीरीज को देखिए, अपना ब्लैंक कंप्लीट करना है। देखो आपको 1827 गिवन है, तो आपको क्या है? देखो इसमें आप सभी को क्या दिए हुए, क्यूब गिवन है। 1 का क्यूब होता है क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होगा आपका? 27 होगा, 27 होगा। उसके बाद आपका 4 का क्यूब, मीन्स क्यूब मतलब 4 × 4 × 4। ठीक है, 4 × 4 कितने होते हैं? 16। ठीक है, 16 × 4 कितने होते हैं? 64। तो ये आपका क्या होगा? एक तो 64, उसके बाद आपका क्या है? देखो 64 ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका? 4 हो गया, 4 के बाद 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5। 5 × 5 कितना होता है? 25। 25 × 5 कितना होता है? 125। तो ये ए में भी है, ये बी में भी है, तो हमारा ये हमारा सॉरी ए है, सी में, बी में और डी में नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, ठीक है, सिक्स इंटू सिक्स कितने होते हैं, 36, 36 सिक्स कितने होते हैं, 216। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, विद दिस आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको इस सम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you once again for watching this video.